आज सुबह हमें एक हमारे यहाँ से कॉल मिला था कि यहाँ पे रेस्क्यू एक प्लेन क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ऑक्सफोर्ड के जो हेलीपैड जो है ऑक्सफोर्ड हेलीपैड से टेक ऑफ लेने के बाद तुरंत उसको क्रैश हुआ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो पुणे महापालिका के फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ और उसके साथ साथ PMRDA और MIDC के फायर व्हीकल्स को हमने इमीडिएटली घटनास्थल पर भेज दिया था। हमारे यहाँ फायर व्हीकल्स के साथ साथ हमने दो अद्यावत रेस्क्यू टेंडर्स भेजे थे जिसमें कि ऑल काइंड ऑफ रेस्क्यू इक्विपमेंट्स आर देयर और एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे उसके साथ है। वहाँ आने जब यहाँ आने के बाद पता चला कि थोड़ा झाड़ियों में ये प्लेन क्रैश हुआ है। हमारे लोग वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे आग बुझाने जैसा कुछ ये नहीं था, देयर वाज अ स्मॉल फायर्स वेयर गोइंग ऑन। लेकिन हमने वहाँ से 3 कैजुअल्टीज को निकाला है और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। नाउ ये हेरिटेज एविएशन की जो कंपनी है उनका चॉपर था ऐसे प्राथमिक अंदाजा मिला है। और उसके साथ साथ अभी जो फेटल जो कैजुअल्टीज है 3 उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एसर्टेन करना बाकी है। आज ऑक्सफोर्ड हेलीपैड बावधन से हेरिटेज एविएशन का एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। सुबह 7:30 बजे वो टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश होने की जानकारी मिली है। यहाँ पे रश होने के बाद यहाँ से उस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 इंजीनियर इनकी डेथ हुई है। इनकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये है कि तुरंत टेक ऑफ के बाद ही क्रैश का इंसिडेंस हुआ है। सर ये एविएशन कंपनी वगैरह, ये हेरिटेज एविएशन कंपनी है और ये यहाँ से टेक ऑफ करके जुहू जाने वाला था। मामले पूरी जांच वगैरह, पूरी जांच DGCA करेगी। पुलिस ने एरिया कॉर्डन कर दिया है। अभी यहाँ पे सिचुएशन पीसफुल है।